हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला खान ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा। तो जी हाँ, आज मैं करने जा रहा हूँ 200 रुपए का चैलेंज। तो 200 रुपए में मुझे 24 घंटे बिताने हैं। तो उसमें मेरा सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता और रात का डिनर, और उसके बाद तो सो जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद तो कुछ खाऊंगा नहीं। तो 24 आवर्स हो ही गए। तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोग पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज। और 100 लाइक्स 100 लाइक्स चाहिए। 1 लाख 1 लाख लाइक्स बोलते बोलते 1 लाख से ज्यादा लाइक्स। तो चलो, अब तो जरियान ने बोल दिया, आप तो कर दो प्लीज प्लीज। नहीं ज्यादा प्लीज मत बोल, नहीं तो आप लोग बोलेगा बच्चे को लेके जो इमोशनली अत्याचार कर रहा है ना। दो सब्सक्राइब मत करवा देना। टू, अरे नहीं, अरे नहीं, चार, 2 मिलियन चार दो सब्सक्राइब बस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज्यादा मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो चलिए सीधा मिलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज चुके हैं। सो सुबह का नाश्ता मैंने किया था, आपने देखा ही था, 2 पूड़ी और 1 जलेबी। सो मेरा टोटल हुआ था वहाँ पे 20 रुपये। सो मेरे पास अभी भी 200 रुपये में से 180 रुपये बचे हुए हैं। सो अभी 180 रुपये में मेरे को लंच करना है, शाम का नाश्ता भी करना है और रात का खाना भी खाना है, कुछ मीठा भी खाना है। सो इसलिए, और अभी 5 बज रहे हैं, सो लंच का टाइम है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा काम में बिज़ी था। तो आज मेरी दुकान ऑफिस भी मैं नहीं गया, तो दूसरे मेरे काम में बिज़ी था। तो अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से मैंने और कुछ खाया नहीं है पूड़ी खाने के बाद। सो मेरे एरिया ही में भी एक नया खुला है, मेज़बान बिरयानी अमान। सो ये आपको मार्केट स्ट्रीट कोलकाता 16 में है, बिल्कुल आपको जमुना बैंकवेट के थोड़ा सा आगे आइएगा, आपको मिल जाएगा। सो यहाँ की बिरयानी मैंने अभी तक जो है ट्राई नहीं की है। तो मेरा डेली अप एंड डाउन यहीं से है ऑफिस के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक बार देखा था कि यहाँ पर 90 रुपीज़ में बिरयानी है, ये वो, तो मतलब चलो यहीं का ट्राई कर लेते, नई जगह भी है और खाना भी थोड़ा सा मुगलाई टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पे आज मेरा, क्योंकि बजट कम है, क्योंकि आज मेरे को 200 में पूरा दिन चलाना है, तो आज मैं चिकन मटन में नहीं जाने वाला हूँ। तो मैं जो सबसे यहाँ पे कम की बिरयानी है, मैं वो बिरयानी आज खाऊँगा, क्योंकि मेरा बजट है आज कम। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आलू बिरयानी का है भैया, आलू बिरयानी। सो यहाँ पे आलू बिरयानी ओनली 50 रुपीज़ का है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को ट्राई करने वाले हैं और खा के बताऊँगा कि बिरयानी कैसी है, नहीं है, और रेकमेंड भी कर दूंगा। अगर अच्छी होगी तो ज़रूर बताऊंगा, नहीं होगी तो वो भी बताऊंगा कि आना सही है कि नहीं है। सो चलिए, जैसी रहेगी तो मैं आपको खा के बताऊंगा। तो एक आलू की बिरयानी ऑर्डर करते हैं, और क्या करते हैं, आलू करें या चिकन कर लें। लेकिन अगर चिकन करता हूँ मैं फ्रेंड्स, तो 110 रुपये हो जाएंगे टोटल, 90 रुपये बचेंगे, तो रात में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, आपके लिए चिकन बिरयानी ही सही। तो चलिए एक चिकन बिरयानी निकलवाते हैं और बाकी का फिर एडजस्ट कर लेंगे शाम में, रात में थोड़ा हल्का फुल्का। तो चलिए मिलते हैं, पहले खाना निकलवा लें, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर चिकन बिरयानी जो है फुल प्लेट आ चुकी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वांटिटी एक आदमी के लिए बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे जो आपको ये चिकन बिरयानी में, थैंक यू, तो यहाँ पे आपको जो है चिकन बिरयानी में एक आधा आलू है इस साइज का, और एक चिकन है। तो ये चिकन जो है कितना ग्राम का होगा भैया, ये 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का चिकन है, ओके। और एक मिला है अंडा टीम, तो अगर जिसे अंडा बिरयानी पसंद है तो यहाँ पे आप आके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर जगह आपको बिरयानी में एग नहीं मिलता है। तो चलिए सबसे पहले तो इनकी क्वालिटी की बात करें राइस की,
राइस बिल्कुल इनके आप देख सकते हैं बासमती राइस है और बिल्कुल जो है टूटे हुए नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है, ये चीज़ समझ में आ रही है देख के ही। तो चलिए पहले निवाला से चावल खाते हैं। बिस्मिल्लाह, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस वक्त भी इतनी अच्छी बिरयानी मिल सकती है। पहले तो गर्म है, फ्रेश है और टेस्टी। तो 90 रुपये के हिसाब से बिरयानी अच्छी अभी तक। अब चलिए सेकंड हमला करते हैं आलू के ऊपर, आलू इनका कैसा है। आलू बिल्कुल वेल कुक हुआ है, आप देख सकते हैं ये रहा एकदम सॉफ्ट है। चलिए आलू इनका टेस्ट करते हैं, आलू कैसा है इनका। बहुत बड़े बड़े होटल में मैंने देखा है, ऐसा शायद ही कोई होटल होगा जहाँ मैंने बिरयानी नहीं खाई, छोटे से बड़ा होटल बहुत जगह मैंने देखा है कि बिरयानी तो अच्छी हो जाती है लेकिन आलू का जो प्रिपरेशन होता है उसमें हमेशा गलती होती है कि मसाला अंदर में जाता ही नहीं। तो मैं बिल्कुल ताज्जुब हूँ मुझे कि 90 रुपये की बिरयानी में आलू का जो टेस्ट बिल्कुल बड़े बड़े होटल की तरह है और इसमें मसाला बिल्कुल अंदर दिया हुआ है। अब इनका चिकन देख लेते हैं, आइए। चिकन तो बिल्कुल वेल कुक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल रोई है ये देखिए। मुझे हल्का सा प्रेस करना पड़ रहा है, प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बस छू रहा हूँ और ये अपने से टूट जा रहा है। तो चलिए इनका चिकन भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अंडा देकर के 100 उन्होंने लगता है पहले फ्राई किया है उसके बाद इसमें बिरयानी में उन्होंने डाला है। हाँ, पहले फ्राई होने के बाद बिरयानी में डालता है। ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपये में आपको जो बॉयलर ही मिलेगा लेकिन टेस्ट अच्छा है चिकन का भी। तो चलिए एक बार पूरा मिला कर खाते हैं, बताता हूँ कि कैसी है। ये हुआ जबरदस्त, इसमें क्या है ना, कोई बच्चा भी खाए उसको कोई नुकसान नहीं। मुझे तो यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी लगी है और शायद मैं अब ऐसा है कि कभी भी यहाँ से गुजरूंगा तो हो सकता है मैं खाऊं या पैक तो करवा सकता हूँ। बिरयानी अच्छी है और 100 रुपये के हिसाब से मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 रुपये या 90 रुपये आप कह सकते हो चिकन बिरयानी, 90 रुपये मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ इसलिए 90 रुपये के हिसाब से बिरयानी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर चक्कर लगता है तो आप एक बार यहाँ पर मेज़बान बिरयानी अमान में आके ट्राई कर सकते हो और यहाँ की बिरयानी आपको 100% पसंद आने वाली है क्योंकि बिरयानी की सच में अच्छी है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मैंने पैसा खाया है भैया से और उसके बाद तारीफ करो, ऐसा कुछ नहीं है। खराब होता तो मैं मुंह पे बोलता हूँ, चाहे कोई भी होटल में मैं जाता हूँ, कितनी बार हुआ है चिलीज भी गया था मैं, मुझे बिरयानी नहीं अच्छी लगी, मैं सबके सामने वहाँ पे बोला कि बिरयानी अच्छी नहीं है। तो यहाँ की बिरयानी मुझे अच्छी लगी है और मैं ये कहूँगी कि पैसा वसूल है, तो आप भी आके ट्राई कर सकते हो और अगर पैक करवाना तो पैक भी करवा सकते हो। तो चलिए पहले मैं अपना लंच फिनिश कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे खाना पीना तो हो गया कंप्लीट और मज़ा आ गया, मतलब बहुत ज़ोर से पहली बार तो भूख लगी हुई थी मुझे क्योंकि सुबह मैंने खाया ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे थे और उसके बाद अब मैंने खाया लंच इतनी देर से, तो मज़ा आ गया खा के। और मैं तो यही बोलूँगा बिल्कुल 100 रुपये के 90 रुपये 100 रुपये में ऐसी बिरयानी तो मैंने अभी तक नहीं खाई है। पहली बात तो बिरयानी एकदम लाइट बिरयानी है, मसालेदार भी है, एकदम दोनों कॉम्बिनेशन है और फ्लेवरफुल बिरयानी। और ये नहीं कि केवड़ा और अतर या कोई भी गुलाब पानी की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंट आती है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। क्योंकि जब भी आप देखोगे 90 रुपये 100 रुपये जब भी आप स्ट्रीट बिरयानी खाओगे तो एक गलती हमेशा होती है इन लोगों से कि इतना अतर या केवड़ा पानी डाल दिया जाता है कि आप खा ही नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। सबसे बेस्ट मुझे लगा जो बड़े बड़े होटल्स में रहता है वो हिसाब से बिरयानी कुक हुई है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। तो मैं एकदम रेकमेंड करूँगा कि एक बार आप भी आके ट्राई करो,
मज़ा आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो यहाँ के ऑनर, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम। अच्छा, आप कहाँ यहीं से रहते हैं? नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं। और आपका कारीगर कौन है ये बताइए, जो बिरयानी बनाया? कारीगर ये है, ये बनाया। ओके, तो भैया बना, आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद आमिर। अच्छा, आप कितने साल से बिरयानी बना रहे हैं? चार साल। तो आप जो बिरयानी किस हिसाब से बनाते, थोड़ा सा बताइएगा बिरयानी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा हमको। तो थोड़ा सा नीचे का एक बार ले लो बिरयानी, तो आप देख सकते हैं बिरयानी आपको देख के ही समझ में आ रही होगी। मुझे पता है कि आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो अगर ये बिरयानी को आपको खाना है, टेस्ट करना है, तो आपको खुद आना होगा। तो आप आओ, आके टेस्ट करो, पैसा आपका वसूल होगा। सो थोड़ा सा बता दीजिए कैसे आप क्या करते हैं इसको। हम पहले काटते हैं भैया, आधे लहसुन पीसते हैं, उसके बाद प्याज काटते हैं, उसके बाद भुरुन करते हैं, उसके बाद मसाला देकर आधी लहसुन फ्राई करके बनाते हैं। वो तो मैंने देखा कि चिकन भी फ्राई था आपका, थोड़ा सा अच्छा गया, या फिर आलू फ्राई हो गया, तो सारे चीज़ फ्राई करके और मसाला हम क्या आराम से पहले उसको फ्राई करके फिर बिरयानी में डाल दो। पहले बच्चा भी खाए, कोई भी खाए, इससे कोई परेशानी। अच्छा, और एक बात बताना है कि अगर मेरा कोई वीडियो देख के यहाँ आना चाहता है तो वो कैसे आएगा, उसको एड्रेस बता दीजिए जो आने में प्रॉब्लम। मार्को एक नंबर मार्को स्ट्रीट है, कोलकाता 7016, ये एड्रेस है। ये जमुना सिनेमा पास में है और न्यू मार्केट के बीच में, मतलब है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे बड़ी बात यहाँ का बिहेवियर भी इनका बहुत अच्छा है। सो आप आओ एक बार, फैमिली के साथ आना, फैमिली के साथ मेरे हिसाब से आप पार्सल करवा लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, घर ले जाके आराम से आप खाओ। और मैं इनका फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा। आपका होम डिलीवरी भी है क्या आसपास में? मतलब 500 मीटर के अंदर? तो अगर आप 500 मीटर के अंदर रहते हैं यहाँ पर, तो आप कॉल कर लेना, तो आप पूछ लेना कि अगर होम डिलीवरी है तो आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। अगर अगल बगल है, लेकिन मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये होना चाहिए, उससे नीचे मत करना। आप 100 रुपये के लिए तो कोई नहीं जाएगा आपको बिरयानी देने। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा, तो आप लोग बने रहिए। अभी थोड़ी देर, अब तो बज ही चुके हैं, 6:45 हो रहे हैं। तो अब चलिए यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी देर में फिर जाते हैं अपना शाम का नाश्ता और चाय पीते हैं। क्योंकि सुबह से मैंने आज एक भी चाय नहीं पी है, तो पहले चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे हल्का फुल्का, क्योंकि अब अभी तो जगह नहीं है, लेकिन वीडियो के लिए चलो बनाना ही है। तो चलिए मिलते हैं, सो बने रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वहाँ से मैंने बिरयानी अपनी खाई, और बिरयानी खाते खाते मुझे टाइम आपको बता ही दिया था। फिर वहीं पे बगल में एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे मैंने चाय पी। तो जो बिरयानी मेरा हुआ था टोटल वहाँ पे 90 रुपये, तो ऐसे 100 रुपये हो रहा था एक बिरयानी का लेके, तो एग लेके, तो उन्होंने मुझसे 90 रुपये लिए। वो तो मुझसे पैसा लेने ही नहीं मांग रहे थे, बोला अरे क्या पैसा दीजिएगा, छोड़ दीजिए वो। तो मैंने बोला नहीं, चैलेंज चल रहा, पैसा तो आपको लेना ही होगा। तो मैंने उनको 90 रुपीज़ ही दिए, उन्होंने 90 रुपये लिए, और जो बिरयानी का दाम था तो 90 रुपये वहाँ मेरे लगे, और जो मैंने चाय पी है वो थी 5 रुपये की। सो टोटल मेरा हुआ है सुबह में 20 रुपये, 2 पूड़ी खाई थी मैंने 14 रुपये की, 1 जलेबी 20 रुपये, 6 रुपये 20 रुपये, 90 रुपये की बिरयानी खाई थी 110 रुपये, और 5 रुपये का खाया था, 5 रुपये की मैंने पी थी चाय। सो टोटल मेरा जो है राउंड हुआ था 90, 110, 115 रुपये। सो 200 रुपये से 115 रुपये मेरे खत्म हो चुके हैं। सो मेरे पास अभी बचे हुए हैं ओनली 85 रुपीज। तो अभी जो है मैं फिर घर आ गया था, क्योंकि सुबह से मैं निकला हुआ था घर से, तो मैं घर आ गया था, फिर आके अभी मैं फ्रेश हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा सफ़र लग रहा होगा, तो फ्रेश हुआ, कपड़े वपड़े चेंज किए, और अभी जो आप देख सकते हैं कि घड़ी में शाम के 7 बज रहे हैं, 7:05 बाकी हैं। सो मैंने बोला चलो कुछ हल्का फुल्का भी स्नैक्स कर लेते हैं शाम में, तो बस अभी जा रहा हूँ स्नैक्स, शाम का नाश्ता करने। तो चलिए वो भी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कितने का कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, और एक बात, थोड़ा सा आज मेरे साथ एक पोपट हो गया है। सो ये हुआ है कि जो मैंने सुबह में नाश्ता किया है, वहाँ पे मेरा कैमरामैन जो है बेचारे ने पूरा वीडियो बना लिया, सब कुछ हो गया। अभी जब मैं उसको चेक कर रहा था, तो भूल से मेरे ही हाथ से वो वीडियो डिलीट हो चुका है। सो अब तो मैं दोबारा वो बना नहीं सकता हूँ। मैंने सोचा भी कि चलो ये वीडियो आज नहीं करके कल डाल दूंगा, या 2 दिन बाद डाल दूंगा फिर सुबह का बना के, फिर मैं बोला नहीं वो चीज़ फिर एक्स्ट्रा खराब लगेगा। तो इसीलिए मैंने जो था सच वो आपसे बोल दिया। सो इसीलिए सिर्फ जो सुबह नाश्ता था उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट्स है मेरे पास, होगा तो वो मैं डाल दूंगा। और तो टोटल अभी 115 रुपये हो चुके हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, माफ़ कर दीजिएगा, मेरी गलती हो गई कि मैंने डिलीट कर दिया, नहीं तो सुबह का भी नाश्ते का मैंने 3 मिनट का वीडियो पूरा बनाया था। सो नॉर्मली वही 2 पूड़ी मैंने ली थी, कचौड़ी पूड़ी 2 और 1 जलेबी। सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अब मैं बाहर मिलता हूँ आपसे और दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। वैसे कुछ आज नया खाने का दिल हो रहा है, जो बहुत दिन से नहीं खाया। सो आप लोग गेस करो
क्या खाने वाला हूँ नाश्ते में, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। और वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं क्या खाने जा रहा हूँ, सो मिलता हूँ सीधा बाहर। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ अपनी थर्ड लोकेशन में, जहाँ पे अभी मुझे नाश्ता करना है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:20 हो चुके हैं। सो अभी जो मैं आया हुआ हूँ तो आप देख सकते हैं ये एकदम गोल तलाव एरिया है, हमारे एरिया के पास में ही है गोल तलाव। तो बस गोल तलाव के एकदम ऑपोजिट में ये जो है भैया बैठते हैं, तो ये लोग बेचते हैं यहाँ पे इडली डोसा सांभर साउथ इंडियन। सो बहुत दिन भी हो गए थे मुझे साउथ इंडियन खा के, लगभग 2-3 महीना हो गया है। सो बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी थी, तो मतलब चलो आज इस क्रेविंग को भी दूर कर लूँगा और शाम का एक नाश्ता भी हो जाएगा थोड़ा अलग। तो ये आपको गोल तलाव है और ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी के एकदम ऑपोजिट में ये भैया बैठते हैं। मैं बचपन से यहाँ पे खा रहा हूँ, तो इनका डोसा बहुत ही अच्छा होता है। तो पता नहीं अब कितने का है, बहुत दिन बाद आया हूँ मैं। भैया मसाला डोसा कितने का है भैया? 30 रुपीज़। अच्छा एक मसाला डोसा एकदम लाल करके बना दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जब मेरा डोसा बनेगा तो मैं आपको। तो फ्रेंड्स हमारा मसाला डोसा आ चुका है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का है। 30 रुपए में आज मसाला डोसा मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। एकदम मैंने लाल करके बनाया पेपर डोसा, और ये इनका सांभर है और ये चटनी है नारियल की। तो चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। आज क्या कॉम्बिनेशन हुआ है, ये अभी बिरयानी खाई मैंने 1.5 घंटे पहले और अब डोसा, वाह क्या बात है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं पहले चटनी से। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि ये देखने में बिल्कुल अगर ऐसे पतला है पानी, मुझे लगता है कि पानी पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। इसका जो टेस्ट है पूरा है, देखने में पानी है लेकिन जब इसका टेस्ट मैंने किया परफेक्ट। अब 30 रुपये में और क्या मिलेगा भाई, डोसा भी एकदम ज़बरदस्त। ऑलरेडी मुझे लगता है अब ये डोसा खाने के बाद मैं रात में डिनर कैसे करूँगा ये नहीं पता, लेकिन करूँगा, जब चैलेंज है तो करना ही होगा। तो टोटल अभी तक जो है मुझे लगता है पैसे मेरे 115 रुपये खर्चा हुए थे और 30 रुपये का डोसा लिया है, सो 145। और मेरे पास बचे हुए 55 रुपये, तो 55 रुपये में आराम से मेरा डिनर भी हो जाएगा, कोई डेजर्ट भी हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। ये कलकत्ता जैसे शहर में 50 रुपये में आराम से होता है। तो चलिए इसको तो फिलिंग देखते हैं। आए हाय ये तो है मेन खजाना। तो अब हम लोग खाएंगे आलू। चलो एक जो और अब खाता हूँ फिर उसके बाद आपको। चलिए ये लिया मैंने बड़ा सा डोसा, यहाँ पे लगाया इसमें मसाला चटनी सांभर और ये हुआ मज़ेदार बाइट। मज़ा आ गया मतलब शाम में डोसा मिल जाए गर्मा गर्म, और क्या चाहिए, वो भी 30 रुपये में। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस सिटी से हो और आप लोग के यहाँ पे स्ट्रीट फूड में मसाला डोसा कितना करके मिलता है, क्या प्राइस है वहाँ पे। तो चलिए अब मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के, आप देख सकते हैं रात के
10 बज रहे हैं और अभी जो है मेरा डिनर का वक्त हो गया है, तो मेरे पास जो टोटल पैसे बचे थे 200 रुपये में, कितना बचा था? 145। हाँ, तो 55 रुपये मेरे पास हैं अभी। तो मैं रात का डिनर करने आया हूँ और मैं आया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे रजा फास्ट फूड सेंटर है। तो मैंने बोला कि दोपहर में मैंने खाया था बंगाली स्टाइल का लूची और आलू है पूड़ी, सब्जी पूड़ी दोपहर में मैंने खाया, लंच जो भी किया था शाम बोलो लंच था, तो लंच मैंने किया था मुगल बिरयानी में, और शाम में फिर मैंने जो नाश्ता किया था वो स्नैक्स हो गया था साउथ इंडियन। तो मतलब चाइनीज ने क्या बिगाड़ा, चलो आज चाइनीज भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे आप मैंने जो है हाफ वेज चाउमीन दिया है क्योंकि मेरे साथ पैसे आज कम है, तो यहाँ पे हाफ वेज चाउमीन का प्राइस है 30 रुपीज़ ओनली, तो 30 रुपये में चाउमीन मिल जा रही है और क्या चाहिए। तो मैं बोला चलो यहीं पे आज डिनर भी कर लेते हैं और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास 145 और प्लस 30 रुपीज़ नूडल्स का हुआ है, तो 175 ही हो रहा है, 145। तो अभी मेरे पास 25 रुपये हैं, तो आगे आप लोग बने रहिए तो मैं दिखाता हूँ मैं उस 25 रुपये क्या करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ रजा फास्ट फूड सेंटर और यहाँ पे मेन्यू भी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको पॉज करके देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या प्राइस है। नहीं है ऐसा कोई भी मतलब प्राइस हाई नहीं है, सबका प्राइस नॉर्मल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आराम से आदमी खा सकता है। आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के लिए है। तो मैंने यहाँ पे आज मेरा बजट कम है तो चाइनीज का वेज लिया, नहीं तो और भी कुछ लेता। चलो कोई बात नहीं, चाउमीन से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये जो है बिल्कुल आपको एड्रेस आप देख सकते हैं, ये है मिर्जा गालिब स्ट्रीट कोलकाता 16 और ये है फ्रिशकिल स्ट्रीट एरिया, ये आपको किड स्ट्रीट का एकदम चौरस्ता है, उसके सामने में आपको इनकी दुकान मिल जाएगी। और सबसे अच्छा लैंडमार्क फ्रिशकिल स्ट्रीट आइएगा आप, होटल पुष्पक इंटरनेशनल के बिल्कुल ऑपोजिट में ही है, सो आप लोग भी आ सकते हैं। और बाकी अभी मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसी है चाउमीन इनकी 30 रुपये में। तो चलिए अभी तो बन रही है अंदर मेरी चाउमीन, पहले आ जाती है तब मैं आपको दिखा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो है डिनर आ चुका है, तो ये है हाफ प्लेट वेज चाउमीन 30 रुपीज़ ओनली। तो चलो पहले इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देते हैं क्योंकि आज चिली चिकन मैं नहीं ले पाया, बार बार बोलूँगा बजट आज कम है। और अगर इस वीडियो को अगर आप लोग कम से कम 100 लाइक्स करते हो तो मैं वादा करता हूँ फिर मैं 500 के ऊपर चैलेंज करूँगा, और उसमें भी अगर रिस्पॉन्स होगा तो 2000 तक भी जाना है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग कॉमेंट करके बताओ, तो मैं बहुत जल्दी फिर 500 का भी चैलेंज करूँगा। तो देखने में तो भाई काफ़ी क्वांटिटी इतनी है कि आराम से एक आदमी का पेट भर जाएगा, मतलब नाम के लिए हाफ प्लेट भाई काफ़ी क्वांटिटी है हाफ प्लेट के हिसाब से। तो चलो खा के देखते हैं कैसी है। सोचने वाली बात है, कलकत्ता जैसा इतना बड़ा शहर है उसके बावजूद भी 200 रुपये में इतना अच्छा अच्छा खाना मिला है। सुबह मैंने बंगाली ब्रेकफास्ट किया है, दोपहर में बिरयानी मिली है वो भी चिकन बिरयानी, शाम में साउथ इंडियन, अभी चाउमीन, मतलब और क्या चाहिए। 200 में मैंने पूरा हर तरह का खाना खा लिया और अभी इसके बाद भी मेरे पास 25 रुपये बचे हुए हैं। टेस्ट अच्छा है और अगर आप अगल यहाँ अगल बगल में रहते हैं आसपास में तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा आप भी आके एक बार ट्राई कर सकते हैं इनका फास्ट फूड। आप लोगों का कितने बजे खुला रहता है भैया? 11 से 11:30 और कोई दिन बंद होता है? नहीं। तो यहाँ पे कोई दिन बंद नहीं है, अगर आप आसपास में हो तो आप सुबह 11 से लेकर रात 11:30 तक आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, बिल्कुल दाम भी वाजिब है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो चलिए अब मैं पहले इसको फिनिश कर लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने चाइनीज़ तो अपना कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं आ गया हूँ एकदम फ्रिशकिल स्ट्रीट में, उसी के थोड़ा सा बगल में है मेरा वो चाइनीज़ की दुकान है थोड़ा आगे, और यहाँ पे एक है मिठाई की दुकान। तो यहाँ पे जो है मैं आया हूँ अपना रात का खाने के बाद, मीठा तो होना चाहिए तो भी ना चैलेंज कंप्लीट होगा, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पे मिठाई खाने। तो यहाँ पे जो है इनका गुलाब जामुन बहुत फेमस है, तो यहाँ से मैंने एक गुलाब जामुन लिया है क्योंकि इनका गुलाब जामुन बिल्कुल गर्म गर्म गुलाब जामुन रहता है, आप देख ही सकते हैं। मैंने एक पीस लिया है तो इसका दाम है 8 रुपये, तो मेरे पास 175 25 रुपये बचे थे, 8 रुपये और चले गए हैं, तो टोटल मेरा खर्चा हो गया है 183। तो मेरे पास अब 17 रुपये बचे हुए हैं, तो चलिए पहले मैं गुलाब जामुन खा लूँ उसके बाद बताऊँगा कि मैं 17 रुपये का मैंने किया। चलिए फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करते हैं और रात का डी एंड करते हैं खाने का, मीठा नहीं मिला तो फिर कोई मज़ा ही नहीं आएगा भाई साहब।
गर्मा गर्म रात में 10:30 बजे गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन इतना अच्छा होता है ना कि मुंह पे जाते ही घुल जाता है। ये देखिए, इसको हाथी से खाना होगा गर्म। मजा आ गया, मजा। तो मेरे पास अभी भी 17 रुपए हैं, तो चलिए पहले घर चलता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ कि 17 रुपए का मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और आके भी फ्रेश भी हो गया हूँ, कपड़े पड़े बदल लिया, मुंह हाथ बढ़िया से धो लिए, क्योंकि नहाने का तो है नहीं सिम शॉर्ट, बिकॉज ठंड है ना, विंटर अभी है। तो मेरा जो है टोटल फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता देता हूँ। तो सुबह का नाश्ता 20 रुपए, दोपहर का लंच हुआ था मेरा 90 रुपए, शाम का साउथ इंडियन स्नैक्स नाश्ता हुआ था 30 रुपए, और रात का डिनर हुआ 30 रुपए, उसके बाद एक मिठाई मैंने खाई थी गुलाब जामुन 8 रुपए। तो टोटल कितना हुआ है 180, मैं आपको काउंटिंग करके बता रहा हूँ, 183। सो 183 रुपए का तो आपको मिल ही गया है। तो अभी तो मेरा चैलेंज पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे पूरा 200 रुपए करना था, ना कम ना ज्यादा। तो मैंने क्या किया है, जो 17 रुपए बचे थे उसका मैंने क्या लिया, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है एक 5 रुपए का ब्लू लेस साहिबा के लिए, तो हो गया कितना 188। ये 5 रुपए का लेस मेरे बेटे के लिए ग्रीन वाला, तो हो गया 193। 5 रुपए की मेरे लिए मूंग दाल 198, 2 रुपए और बचे थे। तो मैंने 2 हैप्पीनेट ले लिए, ये जो है एक कैमरामैन के लिए और एक साहिबा के लिए। तो 200 रुपए का पूरा मेरा चैलेंज जो है कंप्लीट हो गया है। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया, काश साहिबा मेरे साथ होती तो इसको भी एंजॉय करता हूँ। कितना कुछ खाना है 200 रुपए में, साउथ इंडियन चाइनीज सब कुछ खा लिए। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। क्यों? बस आपने अकेले चैलेंज कर दिया। अब तुम जल्दी से बोलो लाइक करने का, 100 लाइक, तो 500 रुपया चैलेंज करूंगा तुम्हारे साथ करूंगा पक्का। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी जल्दी से इसको 100 लाइक करो, मेरा टारगेट है 100 लाइक्स। अगर आप चाहोगे तो 1 लाख कर सकते हो, तो आपको कम से कम 100 लाइक्स कर दो। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द मैं इसका 500 रुपए का भी चैलेंज करूंगा, और इसमें मैंने ऑलरेडी 100 का चैलेंज बना चुका हूँ। तो अगर आपने मेरा वाला नहीं देखा वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ₹100 वाला चैलेंज, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा लगे। और फ्रेंड्स, और एक बात कि मैंने आपको शाम में बोला था, फिर मैं आपको बोल दूं कि जो सुबह का नाश्ता था उसकी रिकॉर्डिंग मुझसे भूल से मिट गई शाम में। और अभी जब मैं घर आया तो मैंने और एक देखा कि उसके साथ ही साथ सुबह जो मैंने इंट्रो का जो किया था, इंट्रोडक्शन वाला स्टार्ट किया था, वो भी डिलीट हो गया। तो इसीलिए मैं अभी फिर घर आया, अभी फिर से भी मैं इंट्रो करूंगा इसके बाद, उसके बाद उसको मैं एडिट करके डालूंगा। तो प्लीज आज इसके लिए चला लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम चला, इस तरह की गलती नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपने अगर यहाँ तक इस ब्लॉग को देखा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।